बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024 क्योंकि जर्मनी जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान करता जा रहा है जो पिछले सालों में बहुत डिफरेंट था आज जो है वो बहुत डिफरेंट हो गया हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल आज मैं फिर से जर्मनी रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जो बेसिकली हेल्प करेगा अगर आपको यहाँ पर मूव करना है ट्वेंटी में या ट्वेंटी के बाद ऐसे बहुत सारे इमिग्रेशन फ्रेंडली लॉज हैं जो शायद हम लोगों के लिए बने हैं या एब्रॉड के लोगों के लिए बने हैं जिससे आप जर्मनी मूव कर सकते हैं आज इन्हीं में कर सकते, हैं, अच्छे से यहां रह सकते हैं कैसे परमानेंटली यहाँ पर जो है रेसिडेंट परमिट ले सकते हैं और उसके अलावा अगर आपके पास डिग्रीज नहीं है या फिर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस किसी और चीज में है उसकी भी क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारी चीजें जो हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि इमिग्रेशन फ्रेंडली ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गए हैं मार्च फर्स्ट से कुछ होने वाले हैं मिड ऑफ दिस ईयर और कुछ होंगे एंड ऑफ दिस ईयर वो लॉज के बारे में बात करेंगे जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप लोगों के लिए क्या है जर्मनी में तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करें वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं बेसिकली अगर हम ये बात करें कि जर्मनी में किस एरियाज़ में रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोफेशन में जो है वो रिक्वायरमेंट है आपको अपनी भी रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी बट ये चैनल जो है वो आपको एक स्पेसिफिक डिटेल्स देगा कि कैसे आप लोगों की कौन कौन से रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको बताती हूँ जैसे आप आईटी और टेक्नोलॉजी प्रोफेशन पे हो कॉन्ट्रेक्टर फील्ड में हो मेडिकल एरियाज में हो नर्सिंग में हो या फिर टीचिंग एरिया में हो और भी बहुत सारे प्रोफेशन जो आप इस लिस्ट में देख रहे हो जो की जर्मन एम्बेसी की खुद की वेबसाइट पे है अगर आप इनमें से किसी प्रोफेशन में हो तो आप हो स्किल लेबर और जैसा कि मैंने और बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है अब ये पहले से कितना डिफरेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले स्किल लेबर जो था वो था, वो स्पेसिफिक हाईली क्वालिफाइड जॉब मतलब अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, अच्छा है, है जो की बेसिकली आपको ये अंदेशा दे रहा है कि आपको एक इमिग्रेशन फ्रेंडली लॉस देखने मिलेंगे इस ईयर से जर्मनी में और अगर आप यहाँ के अभी के चांसलर की बात सुने और वो अभी इंडिया विजिट करे थे उन्होंने खुद ही इंडिया विजिट में ये बोला कि उन्हें बहुत सारे स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है इंडिया से और अब्रॉड से ये तो थी उनकी बात और ऑफ कोर्स हमें भी यहां पर देखने मिलता है दे नीड पीपल बट क्योंकि इनके पास लेबर यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्किल लेबर जो है वो कौन होंगे अब से 2024 में एंड बिकॉज ये आप लोगों के दरवाजे जो है खोल रहा है बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस के जो पहले इस लिस्ट में शामिल नहीं थे अब दूसरी बात आ गई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट इंडियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ई यू ब्लू कार्ड जैसा मैंने बोला है ई यू ब्लू कार्ड ये एक टाइप ऑफ वीजा होता है जो लोग स्किल लेबर कैटेगरी में आता है उन्हीं को मिलता है ये वीजा बहुत सारे जो इंडियन आई टी स्पेशलिस्ट हैं इंजीनियर्स हैं या मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स वगैरह हैं वो लोग ऑलरेडी इस पर्टिकुलर वीजा पे यहाँ पर है ई यू ब्लू कार्ड वीजा अगर आपको मिलता है तो आपकी लाइफ जो जर्मनी में है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ब्लू कार्ड से रिलेटेड भी ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो ऑलरेडी जो है वो पास हो गए हैं मार्च फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से जो है वो पास हो गए हैं जिससे आप लोगों के बेसिकली चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में शामिल होने के इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे पहले क्या लॉज थे और अब क्या है वो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिग्री आपकी प्रोफेशनल डिग्री ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी जर्मनी में अभी तक कि आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है या नहीं या कितने साल की डिग्री है वो रिकोगनाइज है जर्मनी में या नहीं अगर रिकोगनाइज नहीं होती तो आपको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता था फिर अगर आप स्किल लेबर कैटेगरी में आते हैं तो वो आपकी रिकोगनाइज डिग्री जो है वो आपको अपलोड करना होता था या अपने एम्प्लॉयर जहाँ से आपको जॉब मिली है उन्हें दिखाना होता था और उसके बाद आपको ये जो ई ब्लू कार्ड वीजा है वो मिलता था लेकिन जैसा ने आपको बताया है इस कैटेगरी में बहुत सारे प्रोफेशंस जो हैं वो ऑलरेडी ऐड हो गए हैं जिसका ये मतलब है कि अगर आप एनी ऑफ दीज प्रोफेशन में हो तो आप भी एलिजिबल हो ई ब्लू कार्ड के एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो गए ई यू ब्लू कार्ड के इस केस में आपको कोई भी तीन साल का एजुकेशन जो है वो दिखाना पड़ेगा और उसके बेसिस पर भी आपको ई यू ब्लू कार्ड जो है वो मिल सकता है काफ़ी अच्छा एडिशन है उन लोगों के लिए जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री तो नहीं है बट अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है जिससे वो यहाँ पर आ सकते हैं जर्मनी में अब मैं आपको एक स्पेसिफ़िक प्रोफेशन के बारे में यहाँ पर बात करूँगी जिसके बारे में मैं बहुत बार बात करती हूँ वो है आई प्रोफेशन के लोग या टेक्नोलॉजी प्रोफेशन के लोग इन लोगों के लिए एक चीज़ ये एडिशन हुई है कि आप लोगों को यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं भी है और आपके पास तीन साल का एक्सपीरियंस है आईटी में या टेक्नोलॉजी में तो भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं जो की काफी अच्छा एडिशन है क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था पहले आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉग्नाइज डिग्री होना इम्पोर्टेंट होता था उसी के बेसिस पर आपको ई ब्लू कार्ड मिलता था और उसी के बेसिस पर आप बाकी की चीजें यहाँ पर कर सकते थे अब जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो नर्सिंग एरिया के लिए है नर्सिंग एरिया में जो है वो आपको पहले भी मैंने बताया एक वीडियो ऑलरेडी बनाया आई थिंक दो वीडियो बनाए जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी उसमें मैंने स्पेसिफिक बताया था कि रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर आपको जर्मनी में नर्स बनना है तो।, तो सबसे अच्छी बात तो पहले ये है कि जर्मनी में जो है वो नर्सिंग भी स्किल लेबर कैटेगरी में आती है तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई दूसरी चीज ये हो गई जो बहुत अच्छी है कि अगर आपको सिर्फ तीन साल की कोई भी ट्रेनिंग करी हो नर्सिंग में आपने इंडिया में ही तो भी आप जर्मनी की नर्स जो है वो बन सकते हैं पहले इसकी बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी आपको ट्रेनिंग भी करना होता था प्लस आपको एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होता था इसके बाद आपको लैंग्वेज भी चाहिए होती है लैंग्वेज विल स्टे द सेम क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन में बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं आपको बोल रही हूँ वो बहुत ज्यादा ईजी हो गई है इस प्रोफेशन के लिए इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करना मैं बहुत ही जल्दी नर्सिंग से रिलेटेड एक वीडियो लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए अब मैं आपको एक ऐसी स्टडी एक ऐसा डाटा बताती हूँ जो शायद आप लोगों के लिए शॉकिंग होगा और मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था जब मैं रिसर्च कर रही थी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो ये है कि ब्लू कार्ड पर्टिकुलर वीजा पे 2023 या लास्ट कुछ ईयर से वो लोग आए हैं जो जर्मन स्पीकर नहीं हैं, जिन्हें जर्मन लैंग्वेज नहीं आती कोर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जो ब्लू कार्ड वीजा पे यहाँ पर आते हैं वो आई टी प्रोफेशन से आते हैं अभी अभी के केस की बात कर रहे हैं जिनको इंग्लिश रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही यहाँ पर जॉब मिल जाती है और उनको ईयू ब्लू कार्ड भी इंग्लिश के बेसिस पर ही मिल जाता है जो काफी अच्छी चीज है अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन पे हो और यही एक बात है की आपको ब्लू कार्ड वीजा ऑप्टेन करने के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही आपको मिलेगा आपको जर्मन लैंग्वेज की जरूरत यहाँ पर नहीं है बट ये उन केसेस में मतलब मैं सारे प्रोफेशन की बात नहीं कर रही मैं स्पेसिफिक प्रोफेशन की बात कर रही हूँ अगर आप सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और आपको जर्मन नई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की जरूरत है इंग्लिश के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर जॉब मिलती है आप स्किल लेबर कैटेगरी में आते हो तो ये भी अच्छी चीज़ है जो उन्होंने ऑलरेडी बता रखी है कि यार ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ई ब्लू कार्ड ऑप्टेन करने के लिए जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए जो काफ़ी अच्छा लॉ है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो ई ब्लू कार्ड जो है वो एक बहुत अच्छा जरिया है उसके कुछ मैंने आपको चीजें बताई दी कि क्या क्या चेंजेस ऑलरेडी होने वाले हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जैसे ब्लू कार्ड वीजा की जो हैं 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 वो भी डाउन हो हैं, कम हो गई गई कम तो अगर हम एंट्री लेवल जॉब्स की बात करें या फिर इन डिमांड जॉब्स की बात करें तो उसकी सैलरी अराउंड फोर्टी थाउजेंड यूरो के लगभग है तो अगर आपको इस तरीके की सैलरी आपका एम्प्लॉयर देता है तो आप ब्लू कार्ड आपको मिल जाएगा जिससे बेसिकली आपके आगे की लाइफ जर्मनी में जो है वो ईजी होगी इसके अलावा अगर दूसरे प्रोफेशन की बात करें और ज्यादा एक्सपीरियंस की बात करें तो उसकी जो सैलरी है जैसे प्रोफेशन हो गया जो जो है 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 वो वो कैप कि अगर आपको इतनी सैलरी मिलती आपके एम्प्लॉयर से तो आपको ईयू ब्लू कार्ड जो है वो मिल जाएगा तो ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि सैलरी रिड्यूस करी है ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ के एम्प्लॉयर होंगे वो आपको जॉब्स देंगे जॉब्स आपको यहाँ पर देंगे तो ऑफकोर्स आप यहाँ आ सकोगे पहले ये इजी नहीं था इतना क्योंकि जो ई यू ब्लू कार्ड की सैलरी थी वो काफी ज्यादा थी और जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है उसको थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि इतनी सैलरी वो देता था प्लस वो बाहर से यहाँ पर लोगों को बुलाता था अब जो है वो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको कम सैलरी पर यहाँ पर लोग मतलब जो यहाँ की एवरेज सैलरी है उस सैलरी पर भी आप ई ब्लू कार्ड जो है वो अपटेन कर सकते हैं तो अगर आप एलिजिबल हो ई ब्लू कार्ड के लिए तो आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो आपको जैसे ही जॉब मिल जाता है आप यहाँ के कोई भी एम्प्लॉयर से तो आपको अफकोर्स ऑटोमेटिकली ई ब्लू कार्ड मिल जाएगा अब मैं आपके साथ कुछ बेनिफिट्स शेयर करना चाहूँगी जो आपकी लाइफ यहाँ पर इजी बनाएगा तो लेट्स डिस्कस दैट कि क्या बेनिफिट्स होंगे क्योंकि जब दीपक यहाँ पर आया था लाइक मेरे हस्बैंड जब यहाँ पर आए थे तो वो भी ई ब्लू कार्ड से आए थे और उसने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी बनाई थी यहाँ पर जर्मनी में तो मैं अब वो बात करती हूँ तो सबसे पहली बात तो ये है और वो मैं अभी के जो टाइम है टू में क्या क्या लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके बेसिस पर बताऊंगी तो अभी सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर आप ब्लू कार्ड वीज़ा पे यहां पर आते हैं तो आप 18 मंथ्स तक में आपको यहाँ का मिल जाता है, अगर आपकी बी वन लैंग्वेज की जो है वो प्रोफिशंसी है उस केसेस पर आपको ट्वेंटी वन में जो है पी आर मिल जाएगा तो इससे आपकी लाइफ यहाँ पर ईजी होगी आपको बार बार वीजा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे है ना आपको एक बार में वीजा मिल जाएगा अगर आप बी वन करके ही यहाँ आते हैं तो ट्वेंटी वन मंथस में आपको पी आर मिल जाएगा फिर आपकी जो सिटीजनशिप की जर्नी होगी वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होगी बहुत ज्यादा जल्दी होगी उसका वीडियो हम ऑलरेडी जो है वो बना चुके हैं तो पांच साल में आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी अगर आपकी प्रोफिशंसी है लेवल अब हम बात करते हैं फैमिली रियूनियन के बारे में जो मैंने ऑलरेडी बताया तो फैमिली रियूनियन की बात करें तो अगर आपका स्पाउस या आपके बच्चे जैसे मेरे मेरे हस्बैंड हैं मैंने उन्हें ज्वाइन किया था तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे वीजा पे मैं कोई भी बिजनेस कर सकती थी मैं अलाउड थी कोई भी करने के लिए और कोई भी जॉब कर सकती थी इमीडिएटली जैसे ही मुझे जॉब मिलती है मैं इमीडिएटली वो जॉब स्टार्ट कर सकती थी चाहे वो इंग्लिश में मिले जर्मन में मिले एंड वट तो ये काफी अच्छी चीज है दूसरी चीज पहले जब आप यहाँ पर आते थे तो आपको स्पेस दिखाना पड़ता था अपने घर में अब आपको स्पेस दिखाने की भी जरूरत नहीं है और आप अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स इन लॉ को भी यहाँ पर बुला सकते हैं जो कि इफेक्टिव होगा जून फर्स्ट 2024 से उसके बारे में मैं आपको और स्पेसिफिक डिटेल दूंगी जब वो लॉ जो है वो पास हो जाएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में ई ब्लू कार्ड वीज़ा के बारे में बात करी थी और किस प्रोफेशन में ई ब्लू कार्ड वीज़ा आप ऑप्टेन कर सकते हो वो बात करी है प्लस कैसे इमिग्रेशन लॉज फ्रेंडली हुए हैं अगर आप ई ब्लू कार्ड वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करिए तो मैं आपको एक और चांस बता सकती हूँ कि अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे जॉब नहीं मिल रही है और आपको लगता है कि नहीं यार आपका जो पर्टिकुलर डोमेन है उसकी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जर्मनी में तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड जो कि जून से इंट्रोड्यूस होने वाला है वो अप्लाई कर सकते हो बेसिकली ये जॉब सर्च वीज़ा होगा जो कि आपको एक साल का मिलेगा इस एक साल में आप यहीं पर रह के जॉब सर्च कर सकते हो uh, कुछ ही बेसिस पर जैसे अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है एक्यूवेलेंट एक्सपीरियंस है बी टू लेवल ऑफ इंग्लिश है या जर्मन की रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बनाया वो देख सकते हो तो मैं यहाँ ये यह बताना चाहती हूँ कि ये एक साल का वीज़ा है अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपको जॉब जाती है एक साल में तो आप इस वीजा पे यहाँ पर आ सकते हो जॉब सर्च कर सकते हो इस इस टाइम पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ऑफकोर्स आपको ई ब्लू कार्ड भी मिल जाएगा जो कि फिर आपको पता ही है कि उसके बेनिफिट्स क्या है और इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव रील्स बनाते हैं प्लस लाइफ रील बनाते हैं और बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पर आने वाले हैं तो आप सब्सक्राइब करें बिना प्लस बेल आइकन दबाए बिना मत जाना और एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आप क्या एलिजिबल हो ई यू ब्लू कार्ड के लिए यस yes या नो में प्लस आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है इंडिया में या आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो एंड थर्ड चीज़ इज़ कि आपका प्रोफेशन क्या है वो मैं जानना चाहती हूँ वो ज़रूर कमेंट करना जो मुझे एक आइडिया देगा कि आप किस में इंटरेस्टेड हो जॉब्स इन जर्मनी तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट और अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हो हमको हम उसके बारे में या तो वीडियो बनाएंगे या फिर आपको कमेंट में जो है वो रिप्लाई करेंगे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024 क्योंकि जर्मनी जो है वो आप लोगों के लिए काफी आसान करता जा रहा है जो पिछले